हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर IRS में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है अगर हमारे यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो उस फिल्म का रिमेक ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम इस वीडियो में ब्लॉकबस्टर मराठी फिल्म सैराट के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे और साथ ही में इस फिल्म के सभी रीमेक फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कभी आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सैराट फिल्म 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे आकाश और रिंकू राजगुरु। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नागराज मंजुले ने। ये एक मराठी फिल्म थी और ये डेब्यू फिल्म थी आकाश की और रिंकू राजगुरु की। इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रूपए रखा गया था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 80 करोड़ 58 लाख का। इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 104 करोड़ का, ओवरसीज में कलेक्शन किया था 6 करोड़ का और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 110 करोड़ का और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। एक मिनट पे और सर को वाटा लग रहा तुझी चप्पल मल नहीं कर मैं तुझी शिवाय। इस फिल्म को पहली बार रीमेक किया गया था कनाडा में और कनाडा में इस फिल्म का नाम मनासू मल्ली रखा गया था। ये फिल्म 31 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे रिंकू राजगुरु और निशांत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस नारायण ने और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ की कमी की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेवरेट साबित हुई थी। इस फिल्म को दूसरी बार रीमेक किया गया था पंजाबी में और पंजाबी में इस फिल्म का नाम चन्ना मेरेया रखा गया था। मैं ना प्यार कर दिया तेनु सच्ची की गल हुण अंग्रेजी विच समझावा। ये फिल्म 14 जुलाई 2017 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे निंजा और पायल राजपूत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था पंकज बत्रा ने। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए रखा गया था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 4 करोड़ का। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 7 से 8 करोड़ रुपए और ये फिल्म पंजाबी लैंग्वेज में एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद इस फिल्म का रीमेक किया गया बॉलीवुड में और बॉलीवुड में इस फिल्म का नाम धड़क था। ये फिल्म 20 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे जानवी कपूर और ईशान खट्टर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शशांक केतान ने। इस फिल्म का बजट 30 से 40 करोड़ के बीच में था और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 74 करोड़ 91 लाख का। इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था 95 करोड़ 12 लाख का, ओवरसीज में कलेक्शन किया था 17 करोड़ 86 लाख का और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 112 करोड़ 98 लाख का और इस फिल्म बॉलीवुड में हिट साबित हुई थी। तू भी बोल मनी शर्म आवे एक लप्पड़ दूंगी तुझे। आई लव यू टू। इसके बाद इसको रीमेक किया गया था बंगाली में और इस फिल्म का नाम वहाँ पे नूर जहां रखा गया था। ये फिल्म 16 फरवरी 2018 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे अदरित रॉय और पूजा चेरी रॉय। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिमन्यु मुखर्जी ने। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रूपए रखा गया था और ये फिल्म बंगाली लैंग्वेज में एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताना आपने इन सब फिल्मों में से कौन सी फिल्म देखी है। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।